हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा व्हाट्सअप से आप लोग कैसे डिलीट हुआ मैसेज को रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चैट को ओपन करूँगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो मैसेज आपके सामने शो करा है इसे मैं अभी डिलीट करवाऊँगा। डिलीट कराने के बाद मैं इसे कैसे बैकअप करना है मैं आपको बताऊँगा। अगर ये डिलीट एवरी वन हो जाएगा तो इस मैसेज को हम कैसे डिलीट को वापस लेकर के आएंगे, चलिए इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसे मैसेज करता हूँ कि ये मैसेज को तुम डिलीट कर दो। जैसे कि मैंने इस बंदे को मैसेज यहाँ पे कर दिया है कि ये मैसेज को डिलीट करो, ये यहाँ पे इस मैसेज को डिलीट कर देगा। अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो आपके सामने ये मैसेज डिलीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इतना सारा मैसेज डिलीट हो गया, वो भी ऊपर का वो दोनों मैसेज डिलीट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बैक कर देना है। हमें प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो व्हाट्सअप डिलीट एवरी वन मैसेज, आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन शो करेगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन को पता करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे 50 मिलियन इसके डाउनलोड है, आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। उसके बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इस पर एक्सेस करना है, एक्सेप्ट करना होगा। आप एक्सेप्ट कीजिएगा, फिर आपको व्हाट्सएप पे लॉगिन कर दीजिएगा। फिर हम इसे बैक करेंगे, फिर हम इसे आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे ये ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे हमें दो ऑप्शन आएगा इनेबल करने का, हमें इसे इनेबल कर देना है, इसे भी हमें इनेबल कर देना है। आपको यहाँ पे जाना है, नॉट अलाउ है, इसे एक्सेस पे अलाउ कर देना है। फिर उसको आपको यहाँ से बैक कर दीजिएगा। बैक कर देने के बाद आपको यहाँ से फिर आगे बढ़ना है, इस पर आगे बढ़ना है, फिर यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर आपको ऐसे ही आगे का ऑप्शन आता रहेगा, आपको कर लेना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। सारा कंप्लीट हो गया हमारा। जैसे कि आपको देख सकते हो हमारे सामने यहाँ पे कोई भी मैसेज अभी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि मैंने उस मैसेज को पहले ही डिलीट करवा दिया, क्योंकि हमने इस पर एक्सेस नहीं किया था, फिर डिलीट करवा दिया। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, दूसरा मैसेज उसे फिर से करवाता हूँ, उसे मैं फिर से डिलीट करवाऊँगा और यहाँ पर मैं आपको उसे बैकअप करके दिखाता हूँ। पहले मैंने इस पर बैकअप नहीं किया, इस वजह से हमारा यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। हमने इस पर पहले लॉगिन नहीं किया था, आपको दिखाने के लिए मैंने पहले लॉगिन नहीं किया, अभी आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है। सिंपली आपको क्या करना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ से फिर से बोल दिया मैसेज कर देने के लिए, इसमें मैंने मैसेज कर दिया है। इसके बाद मैं इसे कह देता हूँ डिलीट कर देने के लिए, अब ये हमारा यहाँ पे डिलीट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देख दिया मैंने इसे मैसेज कर दिया कि डिलीट कर दो, तो ये अब इस मैसेज को पूरा डिलीट कर देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कैसे आपको वापस लेकर के आना है। सिंपली आपको वापस से उसी एप्लीकेशन पे जाना है, हमें उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपली आप इस पे ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो मैसेज आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ये दो मैसेज आपने आपको उस अच्छे बंदे ने किया है। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे दो मैसेज शो कर रहा है, आपको और भी मैसेज शो करेंगे, वो सब टाइम लगता है बैकअप होने में, तो यहाँ पे हम कुछ देर टाइम देंगे, रिफ्रेश वगैरह करेंगे, तो वो हमारा वो भी मैसेज धीरे धीरे वापस आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये सारे मैसेज को डिलीट हुए हैं। जैसे आपका जितना भी मैसेज डिलीट हुआ है उस मैसेज को आप कैसे बैकअप करके लेके आओगे, इसी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। और भी अगर व्हाट्सअप से रिलेटेड कोई वीडियोज़ आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें पर्सनली मैसेज करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। ठीक, ऐसी और भी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। फिर मिलते हैं हमें किसी और वीडियो में।